करते हैं रीजनिंग की शुरुआत। देखिए, रीजनिंग की शुरुआत करने के लिए आपके जो सिलेबस जारी किया है पिछली बार पीएनपी ने, उस सिलेबस के आधार पे अगर हम अपने रीजनिंग के प्रयास को आगे बढ़ाएं तो कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो कॉमन है, जो कहीं ना कहीं जिनका संबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे रीजनिंग और गणित दोनों से है। कुछ चैप्टर के नाम ऐसे हैं जो कई बार लिखे गए हैं, एक बार यहाँ ध्यान दिया गया है, कुछ देर बाद यहाँ दिया गया है, कुछ देर बाद यहाँ। लेकिन मैं प्रयास ये करूँगा कि सबको निचोड़ के एक ही पॉइंट पे लाके मैं पढ़ा दूँ, ताकि आपको घर पे जाने के बाद समय कम लगे और आप क्वेश्चन सॉल्व कर लें। बड़कपना ये नहीं है कि आपने पढ़ा कितना, बड़कपना ये है कितना स्कोर किया आपने। तो हमें क्या करना है, पहले सिलेक्शन लेना है। पढ़ने के लिए तो पूरी ज़िंदगी पढ़ते रहिए, उसका कोई और छोर नहीं है, सामने मेरा सिलेक्शन है। इसलिए तो रीजनिंग की शुरुआत करने से पहले हमें मैथ के कुछ ऐसे पड़ाव हैं जहाँ से होकर गुजरना पड़ेगा। तो पहले मैं मैथ के उन पड़ाव से आपको गुजार देता हूँ, ताकि आपको रीजनिंग पढ़ना आसान हो जाए। ऐसे इस बार मैथमेटिक्स मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, इस बार मैथमेटिक्स अमित सर पढ़ा रहे हैं, किंतु फिर भी मेरा भी सब्जेक्ट रहा है, उनका भी सब्जेक्ट रहा है। तो रीजनिंग के लिए कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो मैथमेटिक बेस पे आधारित है। अगर वो कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लेते हैं तो प्रतिवर्ष के तीन क्वेश्चन आपके हैं, चाहे वो सादृश्यता परीक्षण के नाम से कराएं, चाहे कोडिंग डिकोडिंग के नाम से कराएं, चाहे श्रृंखला सीरीज के नाम से कराएं, वो जिस नाम से अध्याय का नाम हो चाहे जो लिखे, लेकिन वास्तविकता ये है कि सबकी पॉइंट क्या है, एक ही है। कोई वस्तु ऊपर फेंकिए वो जमीन पर आएगी, क्यों? गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से। यदि उसका प्लैन वेग कितना होगा तो वापस पृथ्वी पर, लेकिन हमारे यहाँ प्लान वेग कम है, इसलिए चाहे जो भी फेंकी आगे कहाँ। तो इसलिए हम रीजनिंग की शुरुआत करते हैं, और रीजनिंग शुरुआत करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट को पहले पढ़ते हैं। सबसे पहले संख्या किसे कहते हैं, संख्या किसे कहते हैं, तो ये सब आप लोग को कोई काम का नहीं है, आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। तो पहले हम देखते हैं अंक किसे कहते हैं। तो अंक होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, क्या होता है ये अंक होता है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये क्या है अंक। इनकी संख्या कुल कितनी है, इनकी संख्या कुल कितनी, 10। कुल 10 अंक होते हैं, कितने होते हैं 10। इसकी एक विशेषता और है, इससे ही मिलकर संख्याओं का निर्माण होता है, अंकों से मिलकर ही संख्याओं का निर्माण होता है। जैसे आप लोग पढ़ेंगे शब्द कैसे बनते हैं, अक्षरों से मिलकर, वाक्य कैसे मिलते हैं, बनते हैं शब्दों से मिलकर, उसी तरह है। जैसे आप हिंदी पढ़ते हैं वैसे गणित, गणित और रीजनिंग दोनों पढ़ना है, तो ये आपके अध्याय में भी जुड़ा है आंकिक क्षमता के नाम से, गणित में इसे आंकिक क्षमता के नाम से जुड़े हैं, किंतु रीजनिंग में भी इसका सबसे अहम भूमिका है। ठीक, अब आगे देखते हैं, यहाँ से इसी को कहते हैं दार्शनिक प्रणाली। ये सीटेट ने पूछा है क्या कहते हैं, दार्शनिक प्रणाली। तो ये सीधा प्रश्न पूछ लेता है कि दार्शनिक प्रणाली में कुल कितने अंक होते हैं, कितने होते हैं, एक बात। दूसरी बात, जिन संख्याओं के मैंने जिससे जो गिनती लिखा उसकी एक विशेषता है, यदि जिनके इकाई अंक ये आएगा वे सभी संख्याएं सम संख्या कहलाएंगी, इवन नंबर। जिन संख्याओं के इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा वे सभी संख्याएं क्या होंगी, सम संख्या होंगी, और जिन संख्याओं के इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 होगा वे सभी संख्याएं विषम संख्याएं, ऑड नंबर। हमने इस अंक से क्या क्या सीखा, अंक किसे कहते हैं, दार्शनिक प्रणाली क्या है, संख्या कैसे का निर्माण कैसे होता है, सम संख्या और कॉन्सेप्ट क्लियर। आगे बढ़ते हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, किसकी, गिनती की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या। अब प्रश्न कैसे पूछता है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी अनंत, अनंत होती है, सबसे छोटी एक और सबसे बड़ी। अब फिर ये पूछेंगे इसका नाम प्राकृतिक संख्या क्यों पड़ा, वो भी कभी बता देंगे। ठीक, अभी हम लोग का मिशन क्या है, 6 जनवरी। ठीक, इसलिए अभी केवल केवल टू द टॉपिक, और आगे आते हैं। इसमें पूछता है, एक होती है अनुवर्ती, एक होती है पूर्ववर्ती, एक होती है उत्तरवर्ती। सीटेट में डायरेक्ट पूछ लेता है 999 की उत्तरवर्ती की पूर्ववर्ती क्या होगी, सिट्टी बिट्टी गुम, उत्तर उत्तरवर्ती या पूर्ववर्ती, हाँ अनुवर्ती को उत्तरवर्ती कहते हैं। ठीक, पूर्ववर्ती माने पीछे होता है, अनुवर्ती मतलब आने वाले, हाँ
वही तो एक जोड़ देंगे। चलिए इधर देखें, किसी भी प्राकृतिक संख्या अभी समझा देते इसको अच्छे से हम। तो हमें क्या देखना था कि प्राकृतिक संख्या क्या कहते हैं, गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है और सबसे बड़ी अनंत। अब आते हैं पूर्ण संख्या। जीरो सहित प्राकृतिक संख्या को, जीरो सहित प्राकृतिक संख्या को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। सबसे छोटी जीरो, सबसे बड़ी, ठीक यहाँ तक समझ में आ गया। फिर आता है सम असम का, सम विषम, आपको मैंने पहले ही बता दिया, ठीक। अब उसके बाद आता है ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक, ठीक। धनात्मक संख्याओं को धन पूर्णांक, ऋणात्मक संख्याओं को ऋण पूर्णांक कहते हैं। जहां दोनों एक साथ प्रदर्शित की जाती हैं उसे कहते हैं संख्या रेखा। क्या कहते हैं, संख्या रेखा या नंबर लाइन। यहाँ हो गया जीरो, इसे न्यूट्रल कहते हैं, इसे पानी का पीएच मान कितना है 7, तो हो गया न्यूट्रल। इसके दाईं तरफ अगर बढ़ेंगे तो नंबर क्या होंगे, धनात्मक या पॉजिटिव। एक इधर देखिए, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत। बाईं तरफ आए, ठीक, इसका उल्टा होगा, -1 -2 -3 -4 अनंत। लेकिन इसे ही कहते हैं संख्या रेखा, इसे कहते हैं पूर्णांक। माने जीरो सहित धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक संख्याओं को हम क्या कहते हैं, संख्या रेखा कहते हैं, ठीक, या पूर्णांक कहते हैं। और उसे संख्या रेखा पर इस तरह से प्रदर्शित, जीरो के दाएं तरफ जाते हैं तो धनात्मक अंक मिलते हैं और बाईं तरफ जाते हैं तो नकारात्मक या निगेटिव अंक मिलते हैं, ठीक। अब देखिए यहां से लेके यहां तक के संख्या को अभी हम लोगों ने पढ़ा प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर। तो इसकी विशेषता क्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक और सबसे बड़ी, ठीक, इसके उल्टे आते हैं। सबसे बड़ी ऋण पूर्णांक -1, सबसे बड़ी और सबसे छोटी अनंत। इसका ठीक उल्टा, ध्यान दीजिएगा, धन पूर्णांक में सबसे छोटा एक और यह सबसे बड़ा -1, सबसे बड़ा अनंत या सबसे छोटा। सीधी सी बात है, आप -2 नंबर पाए, मैं -5 नंबर पाया, ज्यादा कौन पाया, आप। तो बस -1 सबसे बड़ी और ये अनंत। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया। चलिए अब आगे पढ़ते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, नाम से ही लग रहा है अभाज्य, इसे भाजित विभाजित ना किया जा सके। माने ऐसा नंबर, दुनिया का कोई भी नंबर होगा, दुनिया का कोई भी नंबर होगा वह एक से जरूर कटेगा। कहा एक से जरूर कटेगा, जब एक से कटेगा तो संख्या स्वयं से भी। जो संख्याएं एक से कटे और स्वयं से कटे उसे क्या कहते हैं। लेकिन फिर मैं आता हूं वापस टॉपिक पे, एक क्या है, एक से सभी संख्याएं कटेंगी, चाहे वो भाज्य हो चाहे। इसलिए हमेशा लाइफ टाइम याद रखिएगा, एक न तो भाज्य होता है न अभाज्य होता है। ये यूपीटेट में हर एक साल के बाद पूछता है, अंतर पे इसका रिकॉर्ड है, हर एक साल के अंतर पर ये संख्या पूछी जाती है, हर साल एक साल के अंतराल पर। इस साल भी था, ठीक, नॉन नेगेटिव, ठीक ठीक, इस बार भी था, अभाज्य संख्या 2 उत्तर था, ये हो गया एक। एक क्या है ना, तो भाज्य है, जब एक खत्म हो गया फिर वापस आते हैं, कितना, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 डट 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 अनंत। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे बड़ी, ठीक। अब सबसे छोटी 2 अभाज्य संख्या, प्रश्न क्या आता है, 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम संख्या और अभाज्य संख्या भी है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3, विषम भी है और अभाज्य भी है। अगला प्रश्न, आजकल ट्रेंड चेंज कर दिए हैं, 1 से लेकर 100 तक के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या है, 25। 1 से लेकर 75 तक, 1 से लेकर 50 तक के बीच, 1 से लेकर 25 तक के बीच, ठीक। आप इसको याद कर लीजिएगा, आजकल ट्रेंड चेंज कर रहा है, प्रश्न वही पूछते हैं, थोड़ा सा घुमा देंगे, सिलेबस में आपको पढ़ना है। ये समझ में आ गया अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। मुस्कान फोन आ रहा है, ठीक। अब क्या आता है भाज्य संख्या, नाम से यार है भाज विभाजित करने वाला, 63 वाले पे। अब भाज्य संख्या के बारे में देख लिए, वे संख्याएं एक से कटेंगी और स्वयं से कटेंगी, उसके अलावा यदि किसी संख्या से विभाजित होती हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, भाज्य संख्या। शुरुआत होगी 4 6 4 6 8 9 10 12 14 15 डट डट
जो किसी भी संख्या से कटे, एक से कटे, स्वयं से कटे, उसके अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, उसे कहते हैं भाज्य। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे बड़ी अनंत, सबसे छोटी चार, सबसे बड़ी अनंत। ठीक, अब और एक प्रश्न यहाँ और आएगा, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या नौ, क्योंकि प्रश्न पूछने का ट्रेंड लगातार बदल रहे हैं। भाज्य संख्या नौ, नौ एकमात्र सबसे छोटी है जो विषम भी है और भाज्य भी। साइलेंट करिए। ठीक, ये हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो रहा है ना? क्योंकि इसलिए हम तेजी से पढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं यूपी टेट में सब रट्टा मार के आ रहे हैं। आपको बस थोड़ा सा क्या पकड़ना है, दिशा दिखानी है, बाकी आप खुद ही रेस के घोड़े हैं। और रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, खेत में तो बैल के लिए है ना, तो आप लोग रेस के घोड़े हैं। चलिए आते हैं फिर अपने टॉपिक पे। फिर हम लोग पढ़ते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या भी आप लोग कहीं ना कहीं पढ़ते आए हैं, ये भी यूपी टेट का हर दूसरे साल पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक है, हर साल एक साल रोक के पूछता है ये। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, क्यू का मान जीरो ना हो और पी एक पूर्णांक हो। पी एक पूर्णांक हो माने वे संख्याएं जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके, किसके पी बटा क्यू के रूप में, पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके, क्यू का मान जीरो ना हो, पी एक पूर्णांक हो। चलिए पी एक पूर्णांक। तो जैसे 3/4 माइनस 3/7 माइनस 5/9 5/12 5/28 जो भी हो, एवरीथिंग माने जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके, उस सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? लेकिन फिर मैंने लिखा पी एक पूर्णांक हो, माने जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, धन पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक है, जिसका बटा कुछ नहीं दिया गया उसका बटा भी एक लिख सकते हैं। जैसे अगर -14 है, इसे लिख सकते हैं -14/1, इसलिए यह भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो हम ये कह सकते हैं सभी पूर्णांक, चाहे धन पूर्णांक हो, ऋण पूर्णांक हो, उसे हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। माने सभी पूर्णांक संख्याएं एक परिमेय संख्या हो सकती हैं, जबकि सभी परिमेय संख्याएं एक पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती। ठीक, समझ में आ गया? पढ़ क्या है आप लोग, केवल लाइन पकड़ानी है, आगे बढ़े, क्योंकि मुझे पढ़ाना है रीजनिंग, मैथ नहीं पढ़ानी है, इसलिए थोड़ी और स्पीड है, क्योंकि मैथ वाले सर आएंगे तो और बेहतर पढ़ाएंगे हो सकता है जी। इसके बाद हम जा रहे हैं अपरिमेय पे। अब आते हैं अपरिमेय, माने ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उसे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे हमें जानते हैं √2 का मान 1.414 है, किंतु यह शुद्ध मान नहीं है, यह अभी और दूर तक जाएगा, लेकिन हम दशमलव के 3 अंक तक मान लेते हैं शुद्ध है। अगर 0.141 को भिन्न में बदलने के लिए कहा जाए तो क्या भिन्न में बदल पाएंगे? नहीं। जैसे 1.5 को भिन्न में बदलना है तो 15/10 लिख सकते हैं, जबकि इसे आप चाहकर भी नहीं बदल सकते, इसलिए यह एक परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिखा जा सकता, तो क्या होगा? अपरिमेय होगा। माने सीधी सी बात, जो संख्याएं परिमेय संख्या नहीं है वे सभी क्या हैं? अपरिमेय। जो संख्याएं परिमेय नहीं है सब क्या है? अपरिमेय। माने बचा हुआ हिस्सा क्या होगा? अपरिमेय के खाते में आएगा। लेकिन अभी ये आगे तक जाएगा ना, ये एक खत्म नहीं हुआ, डॉट डॉट अनंत लगाया है, ध्यान दीजिएगा पूरी बात को। ठीक, लिख सकते, जैसे इनकी भी कहानी सही है। अगर जैसे ये भी आपके सिलेबस में जुड़ गया इस बार, ये इसका मतलब है 3 के ऊपर बार लगा है, अगर इसको तोड़ेंगे 3 की पुनरावृत्ति होगी, 0.333333 डॉट डॉट, इसको क्या लिखते हैं? 3 के ऊपर बार लगा देते हैं। माने इस शब्द की कई बार पुनरावृत्ति हुई है, कई बार इसको यूज किया गया। अगर हम इसको बदलना चाहें भिन्न में, तो 3/1 कितनी लड्डू चढ़ाएं, अनंत तक लड्डू चढ़ाते जाएं, तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं हो सकता। अब आते हैं पाई पे। पाई क्या है? पाई की सुन लीजिएगा, ध्यान सुनिएगा, क्लियर हो जाएगा। जल्दी कोई बताता नहीं कि पाई किसे कहते हैं, ये कक्षा 10 में जो अच्छे से पढ़ा होगा उसे याद होगा, कक्षा 10 की मनोहर एक किताब में। पाई क्या है? किसी भी वृत्त के
किसी भी वृत्त के परिधि और व्यास का अनुपात, किसी भी वृत्त के परिधि और व्यास का अनुपात 22:7 होता है। 22:7 होता है, इसे ग्रीक भाषा के पाई से निरूपित करते हैं, जिसका मान 22/7 होता है। जबकि ये पूर्णतः शुद्ध मान नहीं है, किंतु अभी तक वैज्ञानिक पद्धतियों से ज्ञात हमें कितना मिला है, 22/7। जबकि पाई का दूसरा मान 3.1428 यह एक अपरिमेय है, क्योंकि शुद्ध रूप से नहीं लिखा जा सकता। इसलिए पाई के दो मान है, एक परिमेय और एक, तो फिर समझ में आ गया, पाई स्वयं तो एक अपरिमेय है, किंतु पाई का मान 22/7 एक परिमेय है, क्योंकि हमने पढ़ा परिमेय संख्या उन्हें कहते हैं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, अन्यथा। ठीक, एक क्वेश्चन आपसे रिपीट करते हैं, प्रयास करेंगे, आप ही बताइएगा क्वेश्चन आपने किया। 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितने भाज्य संख्याएं होती हैं? 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितनी भाज्य संख्याएं होती हैं? 1 से लेकर 100 तक के बीच में 25 अभाज्य होती हैं, कितना आएगा? वेरी गुड, सही जवाब है, लेकिन ये गलत है। हम ऑप्शन दे रहे हैं कौन कौन, 75, 76, 74, 73, कौन सही है? 74, क्योंकि एक न तो भाज्य होती है न भाज, याद रखिएगा हमेशा, ये मत घटा दीजिएगा, 100 में से 25 गया बचा 75, एक न तो भाज्य होती है ना, ये प्रश्न पूछ सकते हैं परीक्षा में, आगामी परीक्षा में, क्योंकि सिलेबस में है ये आपके, ये बात जानते रहिएगा, एक न तो भाज्य है ना। चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पे, जिस टॉपिक के लिए हमने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, इतनी लंबी कहानी रची, जिसका नाम है नंबर सीरीज। अध्याय का नाम क्या था? नंबर सीरीज। क्या नाम था? नंबर सीरीज। नंबर सीरीज को ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत आसानी से खत्म हो जाएगा। ठीक, शुरू करें। एक श्रृंखला बनाई जाती है, उस श्रृंखला में एक रूल या एक क्रम काम करता है, उसी क्रम में हमें आगे बढ़ना होता है। उसी क्रम में क्या होता है? आगे बढ़ना होता है, जिस प्रक्रम में वो बढ़ता है। तो जो प्रक्रम में बढ़ता है, तो उसके लिए श्रृंखला सीरीज पढ़ने पहले फिर मुझे एक चीज पढ़ानी है आपको, वर्ग और घन, स्क्वायर एंड क्यूब। तो आइए लिख लेते हैं, आपको याद हो गया, आप लिख लेंगे तो दी बेस्ट। जैसे 0 का स्क्वायर 0 होगा, 1 का स्क्वायर, लिखते चलिए 1, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, बहुत तेज इस तरह लिखते चलिए हम बोल रहे जल्दी जल्दी, 4 का 16, 5 का 25, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, बढ़ते रहिए 10 तक तो कर लेंगे आप लोग, 10 तक चलिए, 10 तक बढ़िए, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, अभी गुणा कर लीजिएगा, मैं इसलिए बता रहा हूँ जो नहीं लिख पा रहे हैं, अब गुणा करके लिख लीजिए, मैं बता रहा हूँ दोबारा बता दूंगा, अब 18 से लिखना शुरू करिए, 18 का 324, अभी पीछे का बोल दूंगा, 19 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 25 का 625, छोड़ गया लिखते चलिए, वो सब सरल है, वो सब ट्रिक बता देंगे अभी, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841, 30 का 900, 30 का 900, 31 का 961, 32 का 924, इतना 100 तक नहीं लिखना आप लोगों को, 32 तक। अब क्यूब लिखना है, क्यूब घन, जैसे 1 का घन 1, 0 का घन 0, 1 का घन 1, 2 का घन 8, घन माने किसी भी संख्या का 3 बार गुणा करना, 2×2×3 का घन, 4 का घन 5 का घन,
बढ़ते रहिए इस तरह, लिखते चलिए तुरंत, आराम हराम है। 6 को पेपर है, 33 दिन बचे हैं। 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब लिखिए इतना, 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, हाँ ये बता रहे, 11 का 1331, 12 का 1744, 1728, 11 का 1331, 1331, ठीक, 1300, 12 का 1728, 12 का 1728, 13 का 2197, 14 का 2744, 14 का 2744, 15 का 3375, ऐसे मार दे रट्टा हमारे 33 तक, लेकिन आपको 15 तक लिखवाएंगे, चिंता ना करें। 15 का 3375, 16 का 4096, 15 तक लिखेगा आप लोग, 15 तक लिखना है, 40 तक नहीं याद करना है, ये हो गया। इन सब का प्रयोग आपके रीजनिंग में अब होने जा रहा है। मैंने उस अध्याय का सही गणसा यहीं से होना है, ठीक। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसी के आधार पर जितना आप लोगों ने लिखा है, इसी आधार पर हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, और इस उम्मीद के साथ यह नंबर आपका फिक्स है, यहाँ से हर साल क्वेश्चन आए और आएंगे, जब भी रीजनिंग को सम्मिलित किया जाएगा यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, और यह नंबर ऐसे होते हैं जो आपके फिक्स हैं, इससे बाहर जाना का मतलब है अपने पैर पर अपने हाथ से कुल्हाड़ी मारना। वही कालिदास वाली हाल है, जिस पेड़ पर बैठे थे वही, जिस डाली बैठे थे वही काट रहे थे, ठीक ठीक आगे बढ़ा जाए। चलिए ये वीडियो यहीं पुश करके फिर अगला बनाते हैं इन लोग के लिए।